देशभर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जाहिर करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत ऐसे अपराधियों के लिए दया याचिका का विकल्प खत्म होना चाहिए। राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्था के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट में माफी का प्रावधान खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद को इस संबंध में विचार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ आसुरी अपराधों को रोकने के लिए जरूरी है कि हम लड़के के मन में बेटी और महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव पैदा करें। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा एक गंभीर विषय है, इस पर बहुत काम हुआ है लेकिन बहुत से काम होने अभी बाकी हैं। लड़कों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने की जिम्मेदारी देश के हर माता पिता की, मेरी और आप सभी की है। यदि मर्सी पिटीशन के अधिकार को, यदि ऐसे केसेस में जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो घटनाएं होती हैं उनको मर्सी पिटीशन के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, उन्हें इस प्रकार के किसी भी अधिकार की जरूरत नहीं है। अब ये सब हमारी संसद पर निर्भर करता है, क्योंकि उसमें एक संविधान होना, संविधान संशोधन होना, लेकिन उस दिशा में हम सबकी सोच एक आगे बढ़ रही है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप सबके संस्थान के तकरीबन 8000 केंद्र लगभग 140 देशों में सक्रिय हैं। संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में आप सबकी भागीदारी की मैं सराहना करता हूं। क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने, पर्यावरण के हित में काम करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्यक्रमों के जरिए आप विश्व स्तर पर अपना योगदान दे रहे हैं। जल संरक्षण जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश भर में फैले आप सबके नेटवर्क से अमूल्य योगदान मिल रहा है। आप सबकी सहभोज की व्यवस्था जिसकी सराहना सब लोग करते हैं, सहभोज की व्यवस्था विशेष रूप से सराहनीय है, क्योंकि इसके द्वारा समानता और समरसता को बहुत